5 बजे चुनाव थम जाएगा। 8 फरवरी को दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली अपना फैसला सुनाएगी। मैं ये यकीन मान रही हूं, भारत की दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, वो बेहतर दिल्ली जिन्हें बदतर दिल्ली बनाने का काम केंद्र की भाजपा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया है, ये दिल्ली उन्हें माफ नहीं करने वाली है। आज ये पहला चुनाव है, आज ये पहला चुनाव है जब हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी के बिना लड़ रहे हैं। आज दिल्ली उन्हें याद कर रही है, इस दिल्ली को पहचान दी थी शीला दीक्षित जी ने। कहा जाने लगा था फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, खुशहाल दिल्ली। इस दिल्ली की आज हवाएं जहरीली हो चुकी हैं, पानी पीने का टेस्ट में फेल हो रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है और बेरोजगारी के आंकड़े अगर आज देखेंगे और गिरती अर्थव्यवस्था से, आज व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, आम युवा हो, आज परेशान है। आज लोग एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। मुझे मालूम है आज हमें ताकत देने कांग्रेस के हमारे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मुझे खुशी है और फक्र महसूस करती हूं, ऐसी होगी हमारी दिल्ली। आज इस घोषणा पत्र की हर ओर तारीफ हो रही है, हर गरीब, हर मजदूर, हमारा भाई बहन, हर बेरोजगार युवा, हर दुकानदार, छोटा बड़ा व्यापारी इस घोषणा पत्र की तरफ उम्मीद से देख रहा है। आप सभी जानते हैं आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नगर निगम तक में कांग्रेस की सरकार नहीं है। पिछले 6 सालों में देखे, 5 सालों में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था, एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं था, फिर बद से बदतर दिल्ली बनाने के लिए जिम्मेदार जो थे उन्हें सजा दिल्ली देगी या नहीं देगी, ये बताइए। मैं सिर्फ यही कहूंगी, दोनों की नाकामियों को आज बेनकाब हमें करना है। एक केंद्र की सरकार है, गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर कोई जब जवाब नहीं बनता तो ये एनआरसी और नागरिकता कानून की आड़ में नफरत और जहर के बीज दिल्ली के इन चुनावों में घोलने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुफ्त 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 की घोषणाएं करके, उन घोषणाओं पर करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी नाकामियों पर मुफ्त की एक मोटी चादर चढ़ाकर उसे छुपाना चाहते हैं। मैं आपसे कहूंगी, भाजपा और केजरीवाल ये दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज भाजपा को लग रहा है कि वो सत्ता में नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत उनका सपना था, जिसे मुक्त करने के सपने पर पानी फेरने का काम पंजाब ने किया, राजस्थान ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने किया। इनके कांग्रेस मुक्त भारत के सपनों पर पानी फेरा और आज कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का झंडा इन राज्यों में लहरा रहा है। आज आपसे कहूंगी, बचिएगा मत, जब सत्ता तानाशाह होती है, सत्ता बेलगाम होती है, तो आवाम को उस बेलगाम तानाशाह सत्ता की चाबी अपने पास रख लेनी चाहिए। जिस तरीके से 2013 में सत्ता बेलगाम ना हो, चाबी जनता ने अपने पास रखी थी, लेकिन आज केंद्र की और दिल्ली की सरकारें बेलगाम हो रही हैं, तानाशाह तरीकों से आज अपने फरमान, अपने फैसलों को इस मुल्क पे थोप रही हैं। मैं अलका लांबा, चांदनी चौक विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार, आपको यकीन दिलाती हूं, कांग्रेस का हाथ आपका साथ, अब ये कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। ताकत देंगे, उस दिल्ली को वापस खड़ा करेंगे। सोचिएगा, नागरिकता कानून, एनआरसी, अरे केंद्र की भाजपा सरकार
ओ तानाशाह, अगर 5 साल में तुमने कुछ किया होता इस भारत की राजधानी दिल्ली के लिए, तो तुम्हें एनआरसी नागरिकता कानून की आड़ में छुपना नहीं पड़ता। आज ये जीत अगर होती है तो ये जीत अलका लांबा की नहीं, ये जीत मेरी शाहीनबाग की बहनों की होगी, ये जीत जामिया जेएनयू के हमारे युवा हमारे छात्रों की जीत होगी। आज आपसे कहना चाहती कौन बैठा था ठंड में इंडिया गेट पर जाकर हमारी प्रियंका गांधी इन तानाशाहों से लड़ते हुए कड़कती ठंड में नागरिकता कानून एनआरसी के खिलाफ इंडिया गेट पर बैठती है। हमारी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, और हमारे राहुल गांधी जी राजघाट जाकर इन तानाशाहों से लड़ने के लिए आज राजघाट में जाकर सत्याग्रह किया। लेकिन केजरीवाल, तुम कहां छुपे बैठे हो ये बताना चाहते हैं, जो दो नाव में सवार होता है उसका डूबना निश्चित होता है और तुम्हारा डूबना तय। आज साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ये भाजपाई, ये संघी, ये आरएसएस वाले किस ओर खड़े हैं। नफरतों के दौर से ये दिल्ली गुजर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए लड़ रही है। लेकिन केजरीवाल, तुम शाहीन बाग नहीं चाहते, लेकिन आप सभी से कहूंगी, बटिएगा मत, बेशक ये दिल्ली का चुनाव है पर पूरे मुल्क की नजर आज भारत की राजधानी दिल्ली पर लगी है कि ये दिल्ली क्या फैसला सुनाएगी, और दिल्ली मुझे उम्मीद है वो फैसला सुनाएगी जो मुंह तोड़ जवाब देश के तानाशाह को। माफी चाहूंगी, भारत माता की, इंकलाब, कांग्रेस का हाथ चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कांग्रेस का हाथ चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद अलका लांबा जी, हमारे नेता हमारे बीच।